لقلب الله 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 من وطن صابوا الله 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 هو النفس حقا الله 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 والدعاء المستجاب الله الله وهو الله يستطاب الله 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 حب لك الجناب الله 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 وهو للبرايا الله 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 وهو الخيرات باب الله الله الله

आज ये ग्रामर ऑफ लव की सातवीं नशस्त है और इसी आयत को मैंने दोबारा इसमें करत की है जो कि मेरे ख्याल में, में चौथी या पांचवीं नशस्त में भी इसी आयत पर ही बात की थी तो क्योंकि टेक्निकल साइड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स की कुरान में तो जो दोबारा इसका रेपटेशन इसी आयत का मकसूद है उसकी वजह ये है कि जब आप किसी को मुश्त बनाना चाहते हैं तो आप उसको चौदह अलूम में से गुजारते हैं और लोग ये समझते हैं कि एक ही बातें होती होंगी हर इल्म में हर इल्म के कवायद हर इल्म के जवाब फ़र्क हैं वो उसी आयत को जब आप एक इल्म से देखेंगे तो उसके बिल्कुल मुख्तल पहलू उसके मीनिंग के मुख्तिस पहलू आप पर खुलेंगे और जब इस, इसको हमने पहले लिंग्विस्टिकली खोला था सरफ़ नहफ़ की बहस और इल्म बयान की बहस में तो आज हम इसको कवायद की रोशनी में खोलेंगे और कवायद जो है जितने भी पाए जाते हैं कायनात में मज़हब के हिसाब से इन में इससे ज़्यादा मुश्किल कोई इल्म नहीं है और जब भी इस पर इस पर बयान खैर अब तो तकरीरी सतह पर तो कोई करता ही नहीं है मदारस में भी जब पढ़ाया जाता है तो पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इस पर बहुत मेहनत होगी और बहुत ही उलझाओ आएंगे क्योंकि कवायद का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो ये है कि कुछ ऐसे उसूल वज़ा कर दिए जाएं जो हर एक के लिए एक हों और फिर एक कायदा आपके हाथ में आ जाए और उसकी जो एप्लीकेशन होती है उस कायदे की इट इज़ इन्फिनिट आप उसको कुरान की जहाँ पर भी उस कायदे के ज़मन में कोई भी आयत आएगी आप ख़ुद उस कायदे को अप्लाई कर सकते हैं सो दीज आर काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ्स इन रिलीजन और इसमें ये नहीं है कि मेरे कवायद कुछ और होंगे और आपके कवायद कुछ और होंगे ये कवायद जो हैं ये मंतिक के ऊपर बयान के ऊपर सरफ़ो नहफ़ के ऊपर फ़न असूल तफसीर के ऊपर के ऊपर इतनी टाइटली निट होते हैं कि इस इनको छेड़ना ही मुमकिन नहीं होता और आजकल वो जो एक सवाल पिछली दफा भी मुझसे किसी ने किया था कि मैं कुरान की और प्रसप्पशन लेता हूँ आप इस आयद से और प्रसीव करते हैं और कोई और प्रसीव करता है तो उसका हल क्या है तो वहीं पर मुझे ख़याल आया कि हमें कवायद के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि पता लगे कि आप अपनी मर्जी से कुरान के कॉन्सेप्ट अपनी मर्जी के नहीं निकाल सकते एक कायदे हैं जिनसे अगर कोई भी रू गर्दानी करेगा तो आम असला में उसको हम ब, बद अकीदा कहेंगे जिसको हम बदगी बद कहते हैं अब मैंने वही सूर्य असरा की पहली आयत जो है वो आपके सामने तिलावत की है और एग्जैक्टली वही लफ्ज़ हैं लेकिन अब मानी बिल्कुल फ़र्क होंगे नथिंग विल बी रिपीटेड ऑफ द ओल्ड लेक्चर विच वॉज अबाउट वन आवर एंड टेन मिनट्स दिस विल बी वन आवर एंड सम मिनट्स ऑफ अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द सेम आयत अब वहाँ से स्टार्ट हम वहीं से लेंगे इंट्रो जहाँ पर हमने बात की थी ताकि थोड़ा सा रब भी रह जाए कलाम में कि अल्लाह फरमा रहे सुबहानल्लाजी मैंने बताया था कि कुरान में अल्लाह ताला की तारीफ़ के दो तरीके हैं एक है हमद और एक है तस्बी हमद है ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स विच आर फाउंड इन गॉड मतलब जो सिफात बारी तला में पाई जाती हैं उनके ज़रिए अल्लाह की तारीफ़ करना यह है हमद और जो सिफात अल्लाह की ज़ात में नहीं पाई जाती लेकिन ह्यूमन माइंड जो है वो एसोसिएट कर देता है अल्लाह के साथ उनसे नफ़ी करना यह है तस्बी तो हमद इज़ एफर्मेशन एंड तस्वी इज़ नगेशन एफर्मेशन ऑफ़ द वैलिड एट्रीब्यूट्स एंड नगेशन ऑफ़ द इनवैलड एट्रीब्यूट्स यानी उसका दामन जो है रबूबियत का वो इतना बुलंद है कि अगर आप अपनी तरफ़ से कोई सिफत भी उसके साथ ऐड करना चाहें तो वो सिफत उसकी अलोहीत के तकाज़ों को पूरी करती है कि नहीं इसीलिए ये हम दो कुरान में बार बार आते हैं और हमद नाम है तइद का और तस्वी नाम है तरदीद का तइद कहते हैं एफर्मेसन को और तरदीद कहते हैं निगेशन को तो अब ये आयत उन आयतों में से है कि जो ये वो सूर है जो निगेशन से स्टार्ट हो रही है और हक मुहद्दस देलवी जो कि हमारे यहाँ पर इस हमारी साउथ ईस्ट एशिया में गलिबा उनके साथ का आलम आपको दूसरा नहीं मिलेगा उन्होंने पूरा इसके ऊपर चैप्टर खोला है कि जब भी अल्लाह ताला तस्वीर से कोई सूरत खोलता है तो उसमें अल्लाह ताला वो बात करना चाह रहा है लोगों से जो लोगों के जहन उसको समझ नहीं पाएंगे इमिजिएटली और जो पहला उनका रिएक्शन होगा दैट विल बी ऑफ निगेशन कि नहीं ये नहीं हो सकता और क्योंकि आप आम, आम जिंदगी में देखें हम बाज़ चीज़ें हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं और बाज़त कोई मुक्रर बहुत ही अच्छी तकरीर कर देता है या शायर बहुत ही खूबसूरत शेर पेश कर देता है और आपके जहन को वो थोड़ा सा घुमा देता है तो हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है सुबहान अल्लाह सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ बिबुल्डर डास्ट बंबूजल ड तो अब अल्लाह कह रहा है कि तुम भी सुबह अल्लाह कहते हो और हम भी यहाँ पर सुबहान अल्लाह कहते हैं और अब ये वाकई वो मौका है कि तुम्हारा जहन जो है इस चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाएगा ईजिली तो अब्दुल हक मुहदस देलवी कहते हैं जो बयान आ रहा है आगे वो वाकई ऐसा है कि बेईमान तो बेईमान ईमानदार को भी उसको हजम करने में बड़ा हौसला दरकार है सुबह अल्लाजी असरा अब ये दूसरी बात मैंने पहले बयान की थी अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ असरा जो है असरा युसरा असरा अन। सैर करवाना सैर करना नहीं सैर करवाना बेअब है वो जात जिसने सैर करवाई बेअब ही और अब जो है इसका जो असलाहन इसकी जो तारीफ है वो ये है कि जिसम मूह जिसम और रूह का एक साथ होना जहाँ पर एक हो वहाँ पर अब्द का आता है तो सुबहानजी असरा ही। अब यहाँ पर जो कायदा मैंने आज बयान करना है और मैं पहले ही बात कर आपको दोबारा ये एक दफ़ा कह देता हूँ एज अ डिस्क्लेमर कि इसमें मेरा कसूर नहीं होगा क्योंकि कायदे वाकई ही थका देते हैं Uh, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ तो जब हम uh, जब कोई फसल हमने हासिल करनी हो तो पहले हम हल चलाते हैं और uh, रोटोवेट करते हैं लैंड को इरिगेट करते हैं uh, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं खादे डालते हैं एंड ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर एक्सट्रीमली बोरिंग एंड एक्सपेंसिव एक तो आप पैसे फेंकी जा रहे हो ऊपर से मेहनत बहुत हो रही है पहले तो बैल होते थे इंसान बेचारे हल चलाते थे अब ट्रैक्टर आ गए लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी कम्बलसम प्रोसेस एंड दे इज नथिंग लवली अबाउट इट लेकिन वहां पर जब चार पाँच महीने में फसल लहलाती है ना तो आपको उसका अजर मिलता है और आप कहते हो यस इट वॉज वर्थ इट जिस तरह एक बच्चा है जब वो उसने एग्जाम देना हो साल पहले से उसको कवायद और जवाब में से गुजारा जाता है लैंग्वेज के और जो भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उसके ऊपर वो मेहनत करता है लेकिन जब वो रिजल्ट आता है और अगर वो इफ़ इफ़ी स्टैंड इफ़ ही इफ़ ही स्कोर्स हाई और इफ़ इफ ई इज़ फर्स्ट इन इज क्लास तो उसको वो सारी मेहनत का सिला मिल जाता है तो कवायद का बयान बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दफ़ा तो आपको जहनी तौर पर इमोशनली इट ड्रेन्स यू सो मच आई हैव नेवर बिन ड्रेनड इमोशनली इन रिलीजियस स्टडीज बट जब भी कवायद बयान किए हैं या कवायद जब समझते थे तो इट वुड जस्ट ड्रेन यू बिकॉज सो मच गोज इन टू इट तो ये पहले डिस्क्लेमर है कि आपने इसको थोड़ी सी जो मुश्किल हैं उनके से गुजरना है तो नतीजा वो आएगा कि रूह खुश हो जाएगी आपसे कोई भी बहस नहीं कर सके कम से कम कायदे के ऊपर बहस नहीं हो सकती तो अब अल्लाह कायदा यहां पर ये हो रहा है कि हजूर जा रहे हैं सफर मराज के ऊपर अब अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बंदे ने मेराज की वो कह रहा है बेऐब है वो ज़ात जिसने मेराज करवाई अब यहां पे फेल एक है मंसूब दो की तरफ है ये कायदा है काम एक हो दो एक्टर्स की तरफ मंसूब कर दिया जाए यहां पर एक मंसूब किया है रसूल की तरफ जो मेराज कर रहा है और दूसरा अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है जो मेराज करवा रहा है ये कायदा क्यों आता है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन चाहिए सुबहानजी असरा बेऐब है वो जो ले गई बेअ ही लेलन ले अब ये ललन के ऊपर तनवीन है तनवीन तीन तरह से आती है अरबी में कभी दो ज़बरें छोटी कभी दो जेरें छोटी और कभी दो पेश एक सीधा और एक उल्टा इनको हम अन इन उन कहते हैं तनवीन पांच वजह से इस्तेमाल होती है उनमें से एक वजह है तस्वीर व तनकीर जब किसी चीज़ को छोटा साबित करना हो अब ये जो फ़नी हम हासिल करते हैं वो इसलिए वो हम हम चस्कों के लिए हासिल नहीं करते वो सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं कि कुरान की लैंग्वेज में आपके लिए डेप्थ पैदा हो जाए और मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है बिकॉज़ ख़ुद मैं इस सहरा से गुजरा हूँ और बड़ा ही खुश्क सहरा है ये फ़नी का कि आम लोगों तक वो बात पहुँचाई जाए जो स्कॉलर्स जो टॉप मोस्ट स्कॉलर्स होते हैं वो क्या फ़ील कर रहे होते हैं जब कुरान को पढ़ रहे होते हैं अब ये तनवीन आपको वही समझाएगी कि अब ये तनवीन तस्गीर है या तनवीन तनकीर जो किसी चीज़ को बहुत छोटा करने के लिए इस्तेमाल होती है सुबह असरा बेअही लेलन बेऐब है वो जात जो ले गई अपने बंदे को एक दो लम्हों में रात के एक दो लम्हे तनवीन का ये लिंग्विस्टिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है लोग बोर हो जाते हैं लिंग्विस्टिक्स में लेकिन जो वर्ड्स आपको बता सकते हैं ना नथिंग मैचेस देम लैलन लैल क्यों नहीं कहा लई क्यों आए कि अल्लाह ये कह रहा है कि सात आसमानों की सैर कराने के लिए पूरी कायनात की सैर कराने के लिए और मकान ला मकान की सैर कराने के लिए हमें सिर्फ दो लम्हे ही चाहिए हमें पूरी रात नहीं चाहिए सुबहान अल्लाह असरा बे अब्द ही लई मिनल मस्जिद हराम एल अल मस्जिद अकसा हुरमत वाली मस्जिद से दूर वाली मस्जिद कसा कहते हैं दूर होना बिकॉज 2000 मील का तकरीबन सफ़र बनता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जिसको हम बैतुल बैतुलमकदस कहते हैं अब अब यहाँ पर बैतुल बैतुलमक़दस ये भी आपको नामानूस लगेगा क्योंकि आपने सुना होगा बैतुल बैतुलमुदस दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग लिंग्विस्टिकली इट्स रॉन्ग अगर आपने मुक़दस कहना है तो फिर बैत से पहले आपको अलिफ लाम लगाना पड़ेगा फिर होगा अल बैतुल अलैतुलमुद्दस अगर आपने खाली बैत कहना है तो बैतुल बैतलमस या बैतुल बैतुलमक़दस ये भी अब हमारे बड़े बड़े उलमा भी ये बुनियादी तरीन गलतियां करते हैं अल बैतुल बैतुलमुदस या बैतुल बैतुलमकदस या बैतुल बैतुलमकद अब यहां पे अल्लाह ने बैतुल बैतुलमकदस का नाम नहीं लिया अक्सा कहा है दूर की क्योंकि 2000 मील का फासला है दोनों मस्जिदों में अभी जो लफ्ज़ मस्जिद है ये अरबी लिसान का हिस्सा नहीं था इबादत गाह के लिए हमेशा बैत का लफ्ज इस्तेमाल होता था अभी भी आप पढ़ते हैं बैतुल्ला बैतुलहरम बैतुलमकदस ये मस्जिद इट्स अ ये कुरानिक डिक्शनरी ये आपकी इस्लामिक डिक्शनरी है दो तरह की डिक्शनरीज हैं और ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना कि कई दफ़ा जमाना जाहलिया की पोइट्री में से कुरान कुछ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर एक पूरी वोकेबलरी है जिसको हम लिसान इस्लाम कहते हैं उसका अरेबिक लिसान से भी कोई ताल्लुक नहीं है तो इबादत गाह के लिए मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल करना ये इस्लाम ने किया है क्योंकि असलात मराज उलमिन मोमिन की मेराज जो है वो नमाज है और अस, और अल मराज सलात असजदा और नमाज की जो मेराज है वो सजदा है अब सलात का लफ्ज़ आप देखें ये पुराना लफ्ज़ है इसकी कॉनोटेशन जो अरेबिक पोइट्री से हमें मिलती है अगर आप पढ़ें अगर आप उसी को ही बस समझ लें तो आपकी नमाज के अंदर मानवी गहराई पैदा हो जाएगी सलाद के लुग में दो मतलब हैं एक लोहा है आपके पास और वो टेढ़ा मेढ़ा है आप उसको आग के करीब रखते हैं अब वो नरम हो जाए और आप उसको हथौड़ा जब मारेंगे वो सीधा हो जाएगा इस अमल को सलाद कहते हैं यानी सलाद उस अमल का नाम है जो टेढ़पन को सीधा करे और दूसरा सलाद का लफ्जी मानी है एक मुर्गी जब अंडा देती है वो अंडे को देख के जब दुम हिलाती है उसको सलाद कहते हैं दिस इज नॉट इस्लामिक कॉनोटेशन दीज आर दीज आर अरेबिक कॉनोटेशंस तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे जो लोग कहते हैं कि कोई आदमी एक आयत से मुख्तलिफ मानी क्यों ड्रॉ कर रहा है उसकी वजह यह है कि उसकी नज़र नहीं है लिसान के ऊपर जब तक आपकी लिसान पर नज़र नहीं होगी आपको अगर यही नहीं पता कि कौन सी वोकेबलरी प्योरली इस्लामिक है और कौन सी वोकेबलरी प्योरली अरेबिक है और अगर इस्लाम ने उसको इंपोर्ट किया है अपनी वोकेबलरी में तो उसकी कौन सी कॉनोटेशन इंपोर्ट की है दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन एंड दीज आर एक्चुअली दीज आर लीगल क्वेश्चन और अब ये अब वो मुर्गी जब देखती है अपने अंडे को वो खुश होती है वो खुश होकर दो मिलाती है इसको कहते हैं सलाह यानी कि जो मेरा मकसद था वो मैंने पूरा किया तो नमाज की जो दो कॉनिटेशन हमें अरबी जबान से आती हैं क्लासिकल से वो ये कि एक वो चीज़ जो आपका टेढ़पन दूर करे और दूसरी वो चीज़ जो आपको अपने मकसद तख्लीक के साथ हम आहंग कर दें तो नई डेप्थ आपकी नमाज में पैदा हो जाएगी अगर आप इसको समझोगे अब सलाद की मेराज सजद है अब उस सजदे को अल्लाह ताला ने वहां से उठाया है मस्जिद के वो रातों रात रात के चंद लम्हों में ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अब आप लोग सब मुसलमान यहां पर आते हैं हस्तो नीस में तो आप सब लोग जानते हैं कि मिराज इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड इट्स नॉट अ जस्ट अ जर्नी बिटवीन मस्जिद हराम एंड मस्जिद अक्सा इसमें तो सात आसमान भी आते हैं इसमें तो मुंतहा भी आता है इसमें तो uh, लामाकान भी आता है इसमें तो बहुत जर्नी है तो अल्लाह यहाँ पर स्पेसिफ़िकली सिर्फ दो फिज़िकल पॉइंट्स का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं उसकी तीन वजह हैं पहली वजह यह है कि इसको हम इलम्लबलागत में कहते हैं हाल मुखातब और स्टेटमेंट ये है कि मुख्ताय मुखातब के मुताबिक कलाम वारिद करना मुख्त यानी जो डिमांड है जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उसके अकल को आपने मलहूज खातिर रखना हजूर की हदीस है कल मुन्नासा अलाकदर अकुल अहम लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात की करो डोंट टेल देम समथिंग दैट दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड तो, तो ये हाल मुखब मुखब कहते हैं बोलने वाला मुखातब जिससे बात की जाए जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप सब मुखातब हैं तो जब मैंने बात करनी है तो मैंने ये सोच के करनी है कि अगर मैं ग्रामर के ऊपर भी बहस करूँ तो इस अंदाज से करूँ कि जिस बंदे ने ग्रामर कभी नहीं पढ़ी वो भी कहीं ना कहीं उसको एसोसिएट कर ले इसी मैं अंग्रेज़ी की टर्म्स भी यूज़ करता हूँ बिकॉज आप अंग्रेज़ी ग्रामर हम सब ने पढ़ी हुई है तो अब ये हाल मुखातब को मद्देनज़र रखा है ये इलम बलागत का असूल है अल्लाह ताला ने कि वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो उनके मुशाहदे में है और यहां पर सूफिया कहते हैं तबलीग का एक बाब खोलते हैं जो दूसरी वजह है कि जब भी किसी से बात करो तो उससे उस तरह बात की जाए की किया करो कि वो समझ जाए आप मसनवी मौलाना रूम को देखें ना तो सारी तमसीली है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो कहानियों की शक्ल में मौलाना क्यों बयान करते हैं और वो कहानियां वो हैं जिनसे हम भी एसोसिएट कर सकते हैं

तो so ऑलमोस्ट दूसरा घर जो था उसने जरूशलम देखा हुआ था तो अल्लाह ताला उस लहजे में बात कर रहा है जो लोग समझ जाएं। और हम भी जब ख़ानका में हमें ट्रेनिंग दी जाती है मुर्शिद की तो पहला यही बात की जाती है कि यार अल्लाह दे वास्ते लोगा ना लामकानी गला ना करें मीन स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन अगर कवायद उनके ठीक नहीं होंगे वो तेरी बातों पर झूम तो जाएंगे उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना अब अल्लाह ने बात आखिर में लामकान की करनी है लेकिन वो स्टार्ट वहाँ से ले रहा है जो ऐसे फिजिकल मार्कर्स हैं जो कि अरबों के, के मुशाहदे में हैं तो ये मुखजाए हाल के मुताबिक कलाम को वारद किया जा रहा है एक बहुत बड़ा असूल हमारे सामने लाया जा रहा है और दूसरा ये कि बात इस अंदाज़ में करो कि अगर अगले को ऑब्जेक्शन होता है तो वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके क्योंकि जो आपके मुशाहिदे में बात है मैं आप मुझसे हमेशा क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मैं कहता हूँ कि जी मैं भी आया हूँ सड़क बिल्कुल ठीक थी तो आप कहेंगे हम तो आए हैं सड़क ख़राब है तो अब ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सर टू फ़िज़िकल पॉइंट्स के दरमियान जर्नी को क्यों बयान किया जा रहा है कि अगर किसी को शक पड़ता है मेराज के ऊपर वो नबी से सरकमस्टांशल एविडेंस भी मांग सकता है दीज आर थ्री बेसिक रीजन कि अल्लाह तला सिर्फ एक फेज ऑफ मेराज का यहां पर जिक्र फरमा रहे है मिनल मस्जिद हराम है, इल मस्जिद अलखस खाना काबा से बैतुलमकद तक ले गया अपने बंदे को बारकना हाउलहू इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म अल्लाजी बारकना हवलहू ये वो मस्जिद है मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द में हमने बरकत डाली है बारकना हू हो माहौल में मस्जिद में बरकत नहीं है इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज आयत हालांकि आपके इलाके में जो सबसे ज्यादा बाबरकत मकाम है वो मस्जिद है और मस्जिद में सबसे ज्यादा जो बाबरकत मकाम है वो इमाम की जहां पर इमाम का महराब है वो है और इमाम की महराब में सबसे ज्यादा बाबरकत मकाम वो जगह है जहां पर वो सजदा करता है और आपके पूरे इलाके में अगर आपने बरकत का हसूल करना है तो आप मस्जिद में जाएं लेकिन अल्लाह कह रहा है अल्लाह जी बारकना हो लहू हमने इसके माहौल में बरकत डाली है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सराउंड्स मस्जिद अक्सा सो दिस इज एक जियोग्राफी का टूर है थोड़ा सा इस मस्जिद अक्सा के गेट के बिल्कुल सामने इट्स द बिगेस्ट चर्च ऑफ जरूसलम जहां पर हजरत ईसा की पैदाइश की खुशी में एवरी नाइट द कैंडल्स आर लिट एंड द प्रीस गेट टुगेदर और समझ लें कि हर रोज़ हज़रत ईसा का मिलाद पढ़ा जाता है ये माहौल है मस्जिद अक्सा का मैं आपको थोड़ा सा उसका स्केच दे रहा हूँ उसके थोड़ा सा आगे अगर आप चले जाएँ तो आपको हज़रत यूनुस सलाम की कब्र मिलेगी थोड़ा सा आगे जाएँ हज़रत इब्राहिम की थोड़ा सा आगे जाएँ हज़रत मूसा की थोड़ा सा आगे जाएँ हज़रत इदरीस की थोड़ा सा आगे जाएँ हज़रत ऐब की पूरा और ये इर्द गिर्द के चारों महल्ले जो हैं ये वो मोहल्ले हैं जहाँ पर आपके जो कुरान कुरने कम्बिया हैं हज़ूर के सिवा तकरीबन सारे के सारे वहाँ रहे यहीं पर बैत लम है लाहम कहते हैं गोश्त को गोश्त का घर यह हज़रत दाऊद का घर था जहाँ पर बाद में बीबी मरियम ने हज़रत ईसा की पैदा हुए ये भी बैतुलमकदस के बिल्कुल सामने है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जब मैं कबाला पढ़ता था जूश तो वहाँ पर मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि हमारे काबिला का कोड है उसमें एक हमें बताया जाता है कि अगर तुमसे और कुछ ना हो सके ना इबादत ना हो सके ज़्यादा तो तुम जो इर्द गिर्द के महल्ले हैं यरूशलम इसके मस्जिद अक्सा के इनमें चार गज़ तकरीबन आठ कदम या सात कदम ले लो तो तुम्हारी निजात पक्की है और ये बैठे हुए एपोक्रेफा के एक्सपर्ट हज़रत से एक रवायत हमें आती है गॉस्पल्स में कि हज़रत ईसा ने फरमाया कि ये कि जब तुम गुज़रते हो महल्लों में से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द तो जब मट्टी पड़ती है तुम पर तो उस पर बुरा मत मनाया करो कि ये मट्टी इंसान को अपने रब के करीब करती है अब क्या है उसके माहौल में मस्जिद अक्सा के मज़ारात हैं अम्बिया के इस पूरे इलाके को मरकद अम्बिया कहा जाता है उर्फ़ आम में जब आप जरूशलम जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि नेटिव स्पीकर तो अरबी बोलते हैं जब आप उनसे पूछें कि यार इस ज़मीन को आपकी ज़बान में क्या कहते हैं तो वो कहते हैं मरक़ लम्बिया ये अम्बिया के मकबरों की ज़मीन है अब अल्लाह कह रहा है अल्लाजी बारकना हौला हू यहाँ पर हमारे सूफिया की जो वो रगे इश्क है वो एकदम फटकती है वो कहते हैं कि यार असल बात ये है कि मोहब्बत का एक असूल है कि यारों के डेरे अपने डेरे से ज्यादा प्यारे लगते हैं कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी मस्जिद में बरकत है अगर वो यहां पर कहता तो फिर यारों के डेरे अल्लाह को इतने प्यारे ना लगते अपना घर ज्यादा प्यारा लगता अल्लाह ने कहा अल्लाह जी बार हौला हूँ मेरे जहाँ पर यारों के मज़ार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदियाँ गुजारी हैं मेरी याद में मैंने उनके मज़ारों पर बरकत ली है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजीब किस्म का आ, वो एक बहस छिड़ती है जो कि सूफिया ने छेड़ी है कि मस्जिद ज़्यादा कीमती है या नबी का मज़ार ज़्यादा कीमती है अल्लाह की नज़र से कदर किसकी ज़्यादा है उसके ऊपर पूरी बहस होती है हर मसलक का इतफ़ाक़ है इस असूल के ऊपर और वो बहस किया है वो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पाक मकाम कौन सा है मट्टी का मकाम ये तो रात की बहस चलती है कि मट्टी सबसे ज्यादा पाकिजा कहां की है मकदस की नहीं खाना काबा की नहीं कहां की है वो कहते हैं कि वो जर्रे मट्टी की ये इस तमाम फुकहा का तमाम उलमा का इस पर इतफाक है कि जो जर्रे मदीना मुनवरा में हजूर के कफन को हो रहे हैं क्यों कफन तो किसी आम कपड़ा है वो कहते हैं क्योंकि कफन जो है वो मुस्तफ़ा के जिसम से मस हो रहा है अब कफन मस हो रहा है हजूर के जिसम से और जो जर्रे मट्टी के उस कफन से मस हो रहे हैं वो किस किस से अफजल हैं वो बैतुल्ला से अफजल हैं वो बैतुल बैतुलमकद से अफजल हैं वो अरश इलाही से अफजल हैं वो लोहो कलम से अफजल हैं इस पर इजमाए उम्मत है कोई भी इस पर कोई आलिम किसी फिरके का दौड़ नहीं सकता इस स्टेटमेंट से और क्या है उन मट्टों उन उन में कि वो मुस्तफा की कब्र के साथ मस हो रहे हैं अब ये अल्लाह ताला यहां पर कायदा दे रहे बारकना हू लहू हमने इसके इर्द गिर्द में बरकत रखी है अब यहां पर हजूर को लाया जा रहा है क्यों लाया जा रहा है ना ताकि हम उसको दिखाएं मिन मिन तब ईजिया है बाज बाज बहुत सी चीज़ हो उसमें से छोटी का जिक्र छोटी सी उसमें से एक एस्पेक्ट का जिक्र करना हो उसके लिए अरबी मिन इस्तेमाल करते हैं मसलन अल्लाह आदम की जब बात करता है तख्लीकी अल्लाह फरमाता इस इजकाल अरबो कल मलाय का इन्नी इन्नी खालन बशरन मिन, मिन हमा इम मसनून फ़ैज़ा सब्वई तो वना फ़ख्त फ़ीहे मिन रूही कि जब मैं आदम की मट्टी को संवार लूँ अपने हाथों से और अपने में से थोड़ी सी रूह मिन तब पूरी रू नहीं थोड़ी सी रू इसमें फेंक दूँ तो फ़कााऊ लहू साजदीन इसके लिए तुम इसके सामने सजदे के लिए गिर जाना अब मिन तबीज़िया अब क्या क्या हजूर ने मिराज की रात देखा है एक लाख चौबीस हज़ार नबियों से मिले उनकी इमामत कराई बुराक पर सवार हुए जब्राइल से मिले तमाम फरिश्तों से जाकर मिले सातों आसमानों की सैर की उसके बाद सिदरतुलमन मुंतहा तक पहुँचे वहाँ से ज़ब्राइल आगे ना जा सका आप सत्तर हज़ार नूर के हिजाब पार करते हुए अर्शे इलाही तक पहुँचे और अर्शे इलाही से ला मकान में पहुँच गए जो सबसे बड़ी यहाँ पर फिलोसफर्स को एक हमारे जो फलसफे भाई हैं उनके भी मतलब वो एक अजीब वरीब उनके भी मसाइल हैं उनमें से एक मसले का जिक्र कर दूँ वो कहते हैं यार ला मकान वाली बात ना करो क्योंकि हजूर एक जिसम है और कुरान कह रहा है बे बेअद ही मैं अपने अब्द को ले गया हूँ ये फ़लसफे की बहस है तो अब्द के अंदर रूह माल जिस्म होना ज़रूरी है तो जिसम को जगह घेरने के लिए मकान चाहिए अब यहाँ मकान ना हो वहां पर जिसम जो है क्या घेरेगा <laughs> क्योंकि जिसम की टेक्निकल डेफिनेशन फलसफे में और इवन इन मेडिकल साइंस ये है कि इट्स अ बॉडी कि जो जगह घेरती है जिसम कहते ही उसको है अब अगर हम कहते हैं कि हजूर ला मकान में गए हैं तो वहां पर तो मकान ही नहीं है तो जिसम क्या घेरेगा वहां पर फिर हमारे जो बलागत उलमा हैं वो एक पूरी बहस छेड़ते हैं उस बहस को कहते हैं शर्त और जजा की बहस ये कायदा है अब ये कायदे की बात मैं कर रहा हूँ इसको समझना की ज़रूरत है शर्त और जजा कंडीशन एंड द रिज़ल्ट तो ये कहते हैं ये नावी मंतकी इस्तदलाली असूली इन सब के नज़दीक एक ही बहस है वो ये कहते हैं कि खारिज में हमेशा शर्त मुकद्दर होती है फिर जजा आती है शर्त मुक़दर मुक़दम है जज़ा मुख़र है जुमला भारी है आसानी से समझा देता हूँ हर एक चीज़ की एक शर्त होती है अब आप एक चैप्टर पढ़ें आप दारकनी को अगर आप पढ़ें हम तो इमाम बुखारी और मुस्लिम के अलावा और किताबें नहीं पढ़ते हदीस की लेकिन अगर आप दारकनी को पढ़ें या इमाम बहीकी को पढ़ें तो आपको एक बाब मिलेंगे उनकी किताबों में जिनको हम कहते हैं बाब लौलाक ये शर्त के बाब हैं हदीसें आती हैं मुख्तलि बेतहाशा हदीसें पच्चीस तीस हदीसें हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से फरमाया जो हज़रत ईसा की से आती है कि लौ ला मोहम्मदन लो अगर 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 का लफ्ज़ शर्त के लिए इस्तेमाल होता है लौ ला अगर ना होता मुहम्मद मुहम्मद तो अल्लाह ने फरमाया मा खलक तो ए ईसा मैं आदम को पैदा ना करता मा खलक तो जन्ना वन मैं जन्नत और दौज़ख को खल्क ना करता लौला का ले मा खलक तो अफलाक अगर तू ना होता तो मैं आसमान को मत बनाता लो का अगर तू ना होता माँ खलक तो दुनिया माँ फी तो जो दुनिया दुनिया और जो कुछ उसमें है मैं खलक ना करता यहां पे सब में लफ्ज लौ आ रहे हैं ये कहते हैं अगर एक मशहूर अगर किसी को अभी भी तकलीफ है तो आप सही बुखारी उठा लीजिए तो उसमें एक हदीस आती है कि हज़रत उमर फारूक के सामने एक प्रेगनेंट औरत का केस आया और उन्होंने गलत फ़ैसला दे दिया इश्तहादी गलती होगी उनसे उनको बाद में दिल में चैन नहीं आया उन्होंने कहा कि मुश्किल कुशा को यहाँ पर मुश्किल कुशाह का लफ्ज़ जो हज़रत अली के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हज़रत उमर इस्तेमाल करते थे तो उन्होंने कहा कि मुश्किल कुशा को बुलाओ तो हज़रत अली को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला मैंने दिया तो उन्होंने गलत दिया है तो वहाँ पर उन्होंने कहा ये बुखारी शरीफ़ के लफ्ज़ हैं लऊ ला अ का उमरा लो अगर ला ना होता अली अली लहा का जरूर हलाक हो जाता उमरा उमर तो ये शर्त और जजा है अब मैं तीन जुमले आपके सामने बोल देता हूं यहीं बैठे बैठे हम बना लेते हैं ताकि मामला और साम, सा, साफ हो जाए अगर तैमूर भाई ना बुलाते तो मैं ना आता अगर तैमूर भाई ना बुलाते यह है शर्त मैं ना आता यह है जजा मैं आ गया हूं क्योंकि उन्होंने बुलाया है अगर बिल्ली मुंह ना मारती तो दूध खराब ना होता अगर बिल्ली मुंह ना मारती यह है शर्त दूध का खराब होना है जजा तो एक और बना रहे अगर ड्राइवर लापरवाही ना करता तो एक्सीडेंट ना होता अगर ड्राइवर लापरवाही ना करता यह है शर्त जजा है एक्सीडेंट का होना अब यहां पर आप यह बताएं कि पहले तैमूर भाई ने बुलाया है या पहले मैं आया हूं पहले बिल्ली ने मुंह मारा है या दूध खराब हुआ है पहले ड्राइवर ने गफलत की है या एक्सीडेंट हुआ हमेशा जजाब में होगी शर्त पहले होगी लौला मोहम्मद अगर मोहम्मद ना होता शर्त माँ खलग तो दुनिया व माफी हा तो ना दुनिया होती तो यहां पर अब फलसफियों को जवाब यह देते हैं बलागत वाले कि अल्लाह के बंदो एक जिसम है जिसको अपने वजूद में आने के लिए मकान की जरूरत है और एक जिसम वो है जिसकी वजह से मकान बने तो आप जो हो मतलब मुस्तफ़ा वो है जिसके अपने जिसम के क्याम के लिए मकान की जरूरत नहीं बल्कि मकान जजा है मकान को अपने होने के लिए शर्त की जरूरत है और शर्त हमेशा मुकदम होती है अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कवायद की वैसे ऐसी ही हैं अब अब अल्लाह यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं अल्लाह जीब हो मिन आयातना इत, इतनी चीज़ें देखी हैं अल्लाह कहता है कि हमने कुछ चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पे फ़न तफसीर का असूल है असल में ये हाले मुखातिब है हमें बताया जा रहा है कि जो जो ये देख कर आया है उसमें से बहुत थोड़ी सी चीज़ें हमने तुम्हें कुरान में बताई हैं तो ये जो कायनात और मकान ला मकान और तुमने उस पर फलसफे अपने कायम किए हुए हैं महावरा कायनात के फलसफे वो सब मिन हैं मिन तबीजिया में से हैं मराज क्या चीज़ है वो अगली आयत बता रही है जिस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह ने फरमाया इन न हो वसमी वेरी वेरी स्ट्रेंज इसको हम नाहवियों की जबान में कहते हैं हसर और बलागियों की जबान में कहते हैं कसर कसर और हसर दोनों एक चीज़ चीज़ें कसर कहते हैं एक ऐसी लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि एक चीज को हर चीज से डिसकनेक्ट कर दिया जाए और एक चीज के अंदर महदूद किया जाए जिस तरह आप ये दरवाजा है आप ये सारे दरवाजे यहां पर दीवारें चुन दें और सिर्फ दरवाजे से निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए इस कमरे से सिर्फ एक दरवाजा हो इसको हसर कहते हैं और हसर का काम भी होता है एक चीज को हर एक चीज से डिसकनेक्ट कर देती है और एक चीज़ में महदूद कर देती है और ये कुरान बार बार करता है इनमा युरीद हो लेकिन जुबान कुमर आहल यो ताहिर तत हीरा हसर है यीद मासूर अलैह है म, महसूर है और अल्लाह मासूर अलैह है इनमा युरीदुल्ला बस के बस एक वजह है इन अहल बैत के पाक होने के, के अल्लाह ने इरादा किया अमलों की वजह से नहीं नसब की वजह से नहीं इन हसर ऐसा कायदा है जो आपको जहां पे आपको लिंग्विस्टिक क्लैरिटी चाहिए ना किसी चीज की तो वहां पर इस्तेमाल होता है जिस तरह आप रोज कलमा पढ़ते हैं ला इल्लल्लाह ये हसर है यानी माबूदियत को रब होने के हक को हक के अलोहियत को अल्लाह ने सबसे नफी कर दी है कोई और मबूद है ही नहीं इल्ला यहां पर जो अल्लाह है वो यहां पर रबूबियत जो है वो मासूर है और अल्लाह जो है मासूरन अलह है कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह हो ही नहीं सकता तो अब हर तरफ से नफ़ी करके आपने अल्लाह के अंदर रबूबियत को महसूर कर दिया आपने हर अमल से नफ़ी करके अहल बैत के अंदर तहतीर ततीर को महसूर महसूर कर दिया पाकिजगी को अब यही कर रहा है अल्लाह इन्ना हू हु यह हसर है बस वही है समी जो सुनता है बसीर जो देखता है बस वो ही है उसके अलावा और कोई नहीं है अब यहां पर सूफियों ने बहस छेड़ी है कि ये हु की जमीर किधर पलटती है इन्ना हु हो बसीर इन्ना हु, हु जब हु का तकरार हो जाए तो वहाँ पर हसर लाजि आएगा सिर्फ वही सुनता है सिर्फ वही देखता है सूफी कहते हैं कि जिसने मेराज समझनी हो वो ये एक एक इल्म है जिसको इल्म खवाती में आयात कहते हैं मेरे एक बड़े पसंदीदा टीचर हैं मेरे आ, अलामा बदरुद्दीन जरकशी उनकी किताब है अलब्रहान असूल तफसीर पर इससे बड़ी किताब और कोई नहीं है और वो अच्छा खासा आलिम होना तो उसके भी पसीने निकल जाते हैं किताब पढ़ के उन्होंने इसके ऊपर बहस की है लेकिन वो इलमी अंदाज में की है वो भी मैं बयान कर देता हूँ लेकिन पहले सूफियों की जो मजे वाली बहस है वह सुनिए वो कहते हैं कि इन्ना हु की जमीर वो वो ही सुनता है बस वो ही देखता है यह किसकी तरफ पलटेगी इसका मरजा कौन सा है जमीर और मर्जे की बहस जमीर है जो इशारा करे मर्जा जिसकी तरफ इशारा किया मसलन हम कहते हैं शहर यार आया और उसने खाना खाया ये उस है जमीर और शहर यार की तरफ इशारा कर रहे हैं तो शहर यार है मर्जा अब वो कहते हैं इन्ना हो अल्लाह ने दो का जिक्र किया है सुबह अल्लाजी असरा बेअेही रातों रात ले गई अपने बंदे को एक अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है कि मैं लेकर जा रहा हूं और दूसरा मुस्तफ़ा जो जा रहा है तो यह हुतफा की तरफ पलटेगा या अल्लाह की तरफ यह कवायद हैं ये हमने छोड़े हैं तो हमारी आज ये हालत है तो वो कहते हैं दोनों तरफ पलट सकती है अब अगर, अगर अल्लाह की तरफ पलटे तो क्या मतलब होगा और मुस्तफ़ा की तरफ ये इन्ना कि ज़मीर पलटे तो क्या मतलब होगा यहाँ पर अब ये दिस इज दिस इज़ लाइक ओनली अ सूफी कैन डू दैट वो कहते हैं कि मेराज में जो मेराज है असल में वो अल्लाह और रसूल की मुलाकात का नाम है और बेहिजाब मुलाकात का नाम है इमाम कस्तलानी लिखते हैं कि हजूर को सात पर्दों के अंदर उनका हुसन महजूब करके उनको दुनिया में भेजा गया क्योंकि अगर वो पर्दे उठ जाएं तो दुनिया का अदम लाजम आ जाए इमाम कस्तलानी बहुत बड़ा नाम है इस्लाम में फ़िका में वो कहते हैं कि ऐसा हुसन है रसूल का कि अगर हिजाब उठा दिए जाएं तो दुनिया का अदम लाजम आ जाए और इसी तरह ही अल्लाह का है कि जब मूसा ने कहा कि आए आ सामने तो कहा कि मैं एक तजल्दी करता हूँ सिर्फ झलक डालता हूँ तो देखें अगर पहाड़ अगर रह गया तो मूसा भी बेहोश हो गए और सारे उनके साथ जो चालीस पचास चीफ थे सारे जूस के वो भी मर गए सारे जल गए तो अल्लाह का भी बेहिजाब देखना किसके बस में तो सुफिया है तो सूफिया कहते हैं मेराज ये है कि अगर हु की ज़मीर पलटे अल्लाह की तरफ तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि जब तू मेरे रूबरू आया और जब तूने बात की तो सिर्फ मैं ही हूँ जो इस काबिल है जो तेरे हुसन को बेअ देख सकता है और सिर्फ मैं ही हूं जिसके पास वो आंखें हैं कि वो तेरे चेहरे को असल हालत में देख सकता है और अगर हु की जमीर मुस्तफ़ा की तरफ पलटे तो अल्लाह ये कह रहा है कि जब वो मेरे सामने आया तो बस वही आंखें हैं जो मुझे बेहिजाब देख सकती हैं और मेरे कलाम को बेहिजाब बस वो है कि जब लफ्जों के भी हिजाब मैं उतार दूं तब भी मेरा कलाम सुने ये सिर्फ मुस्तफ़ा है तो सूफिया कहते हैं ये है मेराज ये हसर के अंदर समझ आती है अब इसके बाद सब बातें फीकी हो जाती हैं अब जरकशी जैसे बंदे की बात भी फीकी हो जाती है खैर उनकी बात भी करना जरूरी है कि उन्होंने इस हसर को कैसे लिया वो कहते हैं इन्ना हुई बस वही देखता है बस वही सुनता है वो कहते हैं ये डांट डांट रहा है अल्लाह कवायद अरब के हिसाब से अल्लाह डांट रहा है कि जिस तरह एक मां जो है बच्चा शरारत कर रहा हो मेहमानों के पास बैठी हो तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती कहती देख रही हूं जो तू कह रहा है मैं सुन रही हूं ये मेहमान चले जाएंगे ना तो फिर बस तू होगा रूबरू और मैं हूंगी तो फिर जो है वो इज टाइम फॉर जजा तो वो कहते हैं कि अल्लाह डांट रहा है कि तुम लोग जो डाउट करते हो मेराज के वाक्य के ऊपर और जो हल्की बातें करते हो मेराज के बारे में मैं सुन भी रहा हूं जरकशी ने भी कमाल की है और देख भी रहा हूं कौन कौन क्या कह रहा है क्योंकि ये सुबहाना से इसीलिए ज़रकशी कहते हैं कि ये आ, कलाम अल्लाह ने शुरू की है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा साहेब ईमान भी मिराज को मानने के वक्त उसके दिमाग जो है वो उलट सकता है कहीं भी अब आप साहबा में से ही ले लें उमुल ममिन आयशा सदीका नहीं मानी वो कहती थी ख्वाब है बहुत बड़े बड़े साहबा अमीर मुआविया कितने बड़े साहबी हैं नहीं माना आखिर तक कहने लगे कि मिराज जो है वो सिर्फ ख्वाब है तो इस पर हम बहस अभी करते हैं लेकिन अभी पहले कायदा बयान करें सुभान जी असरा अब आपको मज़ा आएगा कायदा सुनने का आपको आपको पता लगेगा कि जो नजरियात हैं वो बुनियाद नज़रियात की हमारी आइडियोलॉजी की बुनियाद कहाँ कैसे पड़ती है ये आपके कनेक्शन कैसे क्रिएट होते हैं इस वक्त कोई बंदा नहीं है जो कवायद के ऊपर बोलता है आर नो एनी मदरसों में भी कवायद नहीं पढ़ाए जाते और तो और छोड़िए तो मैं ये एक कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह जौक पैदा हो जाए लोगों को दे कैन एक्सप्लोर द लॉजिकल बेसिस ऑफ द अकायद अब फरमाया कि सुभान जी असरा वो गया नहीं ले गया गया तो है फेल एक है दो की तरफ मंसूब होगा एक जो ले गया है और एक जो गया है अब इसको कुरान ने बहुत ज्यादा वाजिया बयान किया है इसको एक आयत में जो गए बदर के मौके पर नाजिल हुई वमा रमैता इज रमैता वला किन्न अल्लाह रमा ये एक फेल दो नस्बतें इससे बड़ी आयत कुरान में नहीं है इसकी वमा रमैता तूने नहीं मारा इट्स निगेशन इज रमैता जब तूने मारा एफरमेशन वला अल्लाह रमा अल्लाह ने मारा एफरमेशन दो एफर्मेशन एक निगेशन तूने नहीं मारा जब तूने मारा अल्लाह ने मारा यह कब होता है और क्यों होता है लेकिन इसको भी स, इसको समझने समझने में मेरे आधे बाल उड़ गए और बाकी आधे जो हैं वो समझाने में उड़ जाएंगे वह मारा मई था नहीं मारा अब हुआ क्या वॉट इज द इवेंट आई मीन लेट्स प्लेस इट इन अ कॉन्टेक्स्ट गुजवा बदर स्टार्ट हुई आ, जो मैकन्स थे उन दे हैड सोर्ड्स एंड दे हैड शील्ड एंड दे हैड स्पीयर्स और मुसलमानों के पास कितने बार डंडा है और वो मूसा वाला भी नहीं है कि जिसको लहराएगा तो सांप बन जाएगा आम डंडे हैं और वो जब वो लड़े आके तो उन्होंने तलवारें मारी इनके डंडे डंडे टूट गए तो सहाबा के कदम उखड़ गए वो भागना शुरू हो गए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए जहां पर हजूर थे अब हजूर ने देखा ये तो गए तो माँ होती है ना वो कहती है बच्चे को चल के मेरी तरफ आ उसको पता होता है चल नहीं सकती जब वो थोड़ा एक कदम चलती है तो माँ खुद दौड़ के जाती है कि इसको सहारा दूँ तो अब वो रहमत आमीन है सारों की माँ है तो उन्होंने कंकरियाँ उठाई हज़ूर ने यह हर हदीस की किताब में मौजूद है हर तारीख़ की किताब कंकरियाँ उड़ाई और उन्हें रमी की रमी कहते हैं मारना यूं करके फेंकी अब सिचुएशन क्या है कि मुसलमान लड़ रहे हैं कहीं पे मुसलमान ऊपर है काफिर नीचे है कहीं पे काफिर ऊपर है मुसलमान नीचे है कहीं पर काफिर की पुष्ट हजूर की तरफ है और मुसलमान का चेहरा सामने है यूं गुथम है और कहीं पर मुसलमान की पुष्ट हजूर की तरफ है और काफिर सामने है कहीं पर साइडवेज़ वो लड़ रहे हैं हजूर का एंगल है ना तो कंकरियाँ आपने मारी हैं तमाम तो मोहदोसों ने लिखा एक कंकरी भी इमाम मोमिन को नहीं लगी अब जो साइड पर था उसका कान गया जो सामने था उसकी आंख गई रंजीत सिंह बन गया वो किसी का नाक गया जो जिसकी बैक थी उसकी स्पाइनल कॉर्ड में आकर लगी वो वहां पर गिर गया जंग का नक्शा पलट गया अब ये सारे जो थे कोई कोई बेचारा काना हो गया किसी बेचारे का नाक कटा हुआ है किसी का कान कटा हुआ है एंड दे ऑल आर यू नो दे आर डिफीटेड एंड देन यू नो दे दिस बॉडी डैमेज तो ये कायदा जब एक फेल को दो की तरफ मंसूब किया जाए याद रखिएगा का, कायदा यह है कि जब एक अमल के अंदर सिर्फ हुसन हो लेकिन कोई ऐबदार निगाह उसके अंदर ऐब पैदा कर दे कोई टेढ़ी दिमाग वाला उसमें कोई ऐब निकाले उस ऐब की रिमूवल के लिए उस नक्श की रिमूवल के लिए यह कायदा है कि फेल को दो की तरफ आप नस्बत देते हो अब हुआ क्या कि जब कंकरियां मारी अब यहां पर बहुत बड़ी बहस इमाम बेजावी ने लिखी और वो आई शुड रिलेटेड टू यू कोई बात नहीं जहां तक इतना मुश्किल है तो यह भी सही वो कहते हैं कि यह कंकरियों को कैसे पता लगा कौन का फिर है क्योंकि ईमान और कुफर अज अमूर गैबियां हैं अब गैब आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गैब की तारीफ क्या है वॉट इज गैब हमारा सबसे बड़ा मसला जो है स्कॉलरशिप की सतह पर इट्स लैक ऑफ डेफिनेशन वी टॉक अ लॉट वी डोंट हैव डेफिनेशन गैब किस को कहते हैं इसको भी बहस होती है किसी को इल्म गैब है या नहीं यार पहले गैब को तो डिफाइन कर लो ना जब गैब डिफाइन होगा फिर इल्म की बात होगी फिर रसूल की बात होगी गैब की तारीफ इमाम बेजाबी से बेहतर किसी ने भी नहीं की और वो कहते हैं कि गैब उस चीज का नाम है जो पांच हिस्सों की जद में ना आए और अकल की पहली तवज्जो से भी ना समझी जाए ये उनका स्टैंडर्ड है डेफिनेशन गैब की डेफिनेशन अब पांच हिस्से हैं वी कैन टच एंड वी कैन सी एंड वी कैन हेयर एंड वी कैन स्मेल एंड वी कैन टेस्ट यही पांच हैं तो हम जो हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो यही पांच हैं तो कहते हैं गैब उस चीज का नाम है जो इन पांचों से जो ना चखी जा सके ना देखी जा सके ना सुनी जा सके ना सूंघी जा सके न पकड़ी जा सके अब ईमान और कुफर ऐसी चीज़ नहीं है जिनको आप पकड़ सकते हो या सूंघ सकते हो या देख सकते हो मतलब जब मैं अब अगर आप अफ्रीका चले जाएँ तो आपको सारे एक तरह के नज़र आएंगे सियाफ़ फाम उनमें से कोई क्रिश्चन होगा कोई मुस्लिम होगा कोई एथियस्ट होगा कोई एग्नोस्टिक होगा अमेरिका चला जाए सारे गोरे लगते हैं Uh, बल्कि वो एक दफ़ा मेरे वालद से एक मिलने आए साहब तो मैंने कहा कि कोई प्रोफेसर होगा तो पता लगा वो सूफी शेख है वहाँ के तो, <laughs> तो क्योंकि हमारे जेहन में वो क्रिश्चियनिटी विद वाइट कलर एक इम्प्रिंट हुआ था अब मुझे अपनी पाँचों हिस्सों से भी नहीं समझ आई उनके ईमान की अब पांच हिस्से जो ईमान को तो दर्क नहीं कर सकती और अक़ल की पहली तोज्ह ये होती है द इनिशियल इंक्वायरी विच यू विच यू द थिंग्स दैट यू फाइंड आउट विदाउट थिंकिंग ये साइकोलॉजी का अब मौजू इसके अंदर छिड़ जाएगा साइकैट्रिस्ट हमारे सामने है कुछ चीजें हैं जो हम गौर गौरफिकर के साथ समझते हैं कुछ हैं जिनके लिए गौरव फिकर की जरूरत नहीं है मसलन धुआं देखा अकल ने फौरन कहा आग लगी ये अकल की पहली तवज्जो है जिसमें आपको रैशनल प्रोसेस रन करने की जरूरत ही नहीं है आपके सबकॉन्शियस में वो इतना इनग्रेव्ड है रैशनल प्रोसेस कि फौरन फतवा लगाए कि आग लगी है देखा एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें डेंट पड़े हुए शीशे टूटे हुए लोग जख्मी हैं और कुछ नहीं है तो यही जेन में कोई था जो मारकर चला गया ये अकल की पहली तवज्जो है जब एक चीज इतनी अपेरेंट हो कि उसके लिए आपको कोई भी रैशनल प्रोसेस प्रोसेस इंटेलेक्चुअल रन करने की जरूरत ना रहे इमाम बेजावी कहते हैं कि गैब उस चीज को कहते हैं जो अकल की पहली तवज्जो से भी ना समझा जाए अब किसी को आप देख कर नहीं बता सकते वो मुसलमान है या बेईमान है मुनाफिक है कौन है तो अब बहस ये करते हैं बेजावी कि इन कंकरियों को तरबियत किसने दी तो वहां पर आखिर वो सूफियों ने ही इसका हल निकाला वो कहते हैं बात कंकरियों की नहीं है बात ये है इस हाथ से जा रही है क्योंकि ये हाथों को अल्लाह अपने हाथ कहता है कुरान में इनमांुबायून युबायून क्या कहता है अल्लाह तला दीना कहा युवाय। जिन लोगों ने तेरे हाथ पकड़े इनमा हसर आया फिर हसर की अभी बहस करके गया हूँ उन्होंने अल्लाह के हाथ पकड़े अल्लाह के हाथों का कमाल क्या वारस तयील तरमी वही आ गया रमी जिसरमता र... जो वायद पढ़ गया हो तरमी हम पे हिजारत मिन से जील वो जो घड़ा आप बना के उसको तोड़ दें तो वो जो छोटी छोटी वो पीसेस बनते हैं उसको सजील कहते हैं उ, उ, उसको उसको कहते हैं वो वो पत्थर थे जो वो उन आके चिड़ियों ने आकर मारे थे अबाबील कहते हैं गॉल को मतलब यहाँ पर है एक हमारा परिंदा है जिसको हम अबाबील कहते हैं इट्स नॉट द सेम बर्ड अबाबील इज व्हेन 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 द बर्ड्स फ्लाई इन इन फ्लॉक्स दैट देर देर ट्रिजेक्ट्री उनकी जो एक यूनिफॉर्मिटी है उसको अबाबील कहते हैं जिस तरह ड्रोन्स को अब आप बहुत से ड्रोन्स को एक आप एयर स्ट्राइक की फॉर्मेशन में भेजते हैं तो दैट इज अबाबील अब उसको भी अरबी में अबाबील अब अब कहते हैं तो अब अल्लाह ने अब वो आता क्या है तफसीर में कि हर परिंदे के चोंच के अंदर जो वो कंकरी थी घड़े की उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था कि किसके किस को पर कहाँ पर मारना है देव डिटेल अकाउंट और आजकल तो ड्रोन्स के बाद आई डोंट थिंक वी शुड बी इवन वरीड अबाउट इट देन लॉक ऑन टू योर हार्ट दे कैन लॉक ऑन टू योर डी एन एंड टारगेट यू सो इट्स अ काइंड ऑफ एन एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज बी यूज एट दैट टाइम तो अब वही एडवांस टेक्नोलॉजी अब यहां पर बदर में भी यूज हो रही है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं और वो पत्थर सिर्फ काफरों को लग रहे हैं और सिर्फ इतने लग रहे हैं वो मर नहीं रहे वो गिर रहे हैं अब वो जब गिरे मुसलमान चढ़ गए उनकी तलवारें गिर गई मुसलमान चढ़ गए डिफीटेड सो दे वेंट बैक अब इसके अंदर कोई भी पहलू कुब का है नहीं कोई भी पहलू एतराज का है नहीं मतलब यू हैव कम टू वेज वॉर और सम और कोई भी स्ट्रेटेजी अगले ने इस्तेमाल की आप गिर तो गए हो ना एवरी थिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर लेकिन अब उन्होंने यहां औरतों ने वहां पे ढिंडोरा पीटा मक्का में कि यार ये कहते हैं कि मोहम्मद जो है ये बड़ा बहुत बड़ा बंदा है ये कहां का बड़ा बंदा है इसने अपने चचा का कान उड़ा दिया दूसरे चचा का नाक उड़ा दिया किसी का दांत उड़ा दिया क्योंकि हर दूसरा घर तो हजूर का रिश्तेदार था इट वॉज़ अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली आपस में शादियां करते थे मक्के में सारे ही तकरीबन कुरैशी थे या यहूदी थे तो वो सारे ही रिश्तेदार थे आपस में तो उन्होंने आके खूब रोया खाना काबा में आकर और बहुत फजूल बकवास की कि अल्लाह इसको तू ना छोड़ी इसने अपने चचा का कान उड़ा दिया अपने भतीजे की ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया तो वहां पर अल्लाह कहता है अब ना दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट वमा रमाइता अब असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐब लगाया गया एतराज किया गया तो अल्लाह अमल को दो की तरफ मनसूब कर रहा है वमा रमैता इज रमैता वला किन्न अल्लाह रमा तूने नहीं फेंके जब तूने फेंके अल्लाह ने फेंके क्या मतलब है अब ये लीगल डिस्कशन जहां पर लॉयर बैठा हुआ है मतलब क्या है कि अगर पत्थर फेंकने में कोई खूबी थी अगर पत्थरों को ऐसा दानाए राज बनाना और दानाए सबुल बनाना और इल्म गैब का राजदान बनाना कोई खूबी है कि सिर्फ जाके बेईमानों को लगे ईमानदारों को ना लगे तो वो खूबी तेरी है और अगर उसमें कोई नक्स है तो वो मेरा मैंने फेंके वाला किन्ना यह कायदा है मैंने फेंके, फेंके। सुबहानी असरा मैंने कराई है सैर अगर सात आसमानों में फिरना बैतुलमकद से बैतुलहराम से बैतुलमकद जाना और दो लम्हों में वापस आना और फिर बाद में जो जो पूछा गया अभी मैं उसकी बहस आपके पास अभी तीन मिनट में करूंगा कि कराइनी शहादतें क्या है मैं के ऊपर हमने सगम एविडेंस को बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि आपसे आपसे आप जिस मस्जिद में जिंदगी में आप कभी गए नहीं बैतुल बैतुलमक में उसके बारे में पूछा जा रहा है खिड़कियां कितनी हैं फानूस कितने हैं उनके अंदर किस रंग की मोमबत्तियां लगी हुई हैं रिडिकुलस क्वेश्चन एंड इज आंसरिंग ऑल ऑफ दम अगर ये काम करने में कोई खूबी है तो तूने की है सैर तूने की है और अगर किसी ऐप वाली आंख को शक होता है तो मैंने कराई है मुझसे बात करें हर जबीज में से ये कायदा है एक फेल को दो तरफ मंसूब करने का कायदा ये है कि के रफा के लिए और औकात याद दिलाने के लिए कि यू आर टॉकिंग टू गॉड यू विल बी आंसरेबल क्योंकि अब ये जो साहबा के दरमियान भी जब बहस हुई ना हजरत अली की और इबन अब्बास वगैरह की जो बहसें आप तारीख में हम पढ़ते हैं मेराज के हवाले से तो बहुत से साहबित जो समझते थे मराज जो है वो ख्वाब है अब ख्वाब तो अगर मुझे अब ख्वाब आ गया है कि अल्लाह ने मुझे रात को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और मैं आपको आके बयान दूं तो क्या तो केस लड़ सकता है मेरा <laughs> क्यों नहीं लड़ सकता या ही विल से ऑफ कोर्स ख्वाब में तो जाना कोई कमाल है ही नहीं मतलब मेरा अपना ड्राइवर है उसको कभी ख्वाब आता है कि वो ट्रंप की जगह पर उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया अमेरिका का इट इज बिकम अ प्रेसिडेंट ख्वाब में मिराज आई मीन व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट अ ग्रेट डील एक जो सेब बेच रहा है बेचारा उसको भी ख्वाब आता है कि मैं अल्लाह तो आप उनको फांसी तो नहीं चढ़ाते हो खाब है यार तो असल में जो इलमी लोग हैं वो जानते हैं कि मिराज के ऊपर ये फिजिकल है या नॉन फिजिकल है इस पर बहस है ही नहीं बहस हो ही नहीं सकती क्यों नहीं हो सकती लॉयर से पूछिए जब मुखालिफ एतराज़ कर दे तो क्लेम फिजिकल होते हैं हजूर ने कहा है कि मैं जिसमानी तौर पर गया तभी उन्होंने कहा है कि हमें बताओ तो अगर आप इसको उसको प्योरली आप उसको लीगल तरफ से देखेंगे तो यह बहस ही फजूल है क्योंकि इनकार ही फिजिकल जर्नी का किया गया है अब वो हुआ क्या कि हजूर ने कहा कि मैं यरूशलेम होके आया हूं जिस तरह कुरान की पहली आयत आई थी बाद के आयते हैं तो वो नजम वगैरह की तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है जिस तरह हम सारों की आदत है ये कैसे हो सकते हैं हमारे तो बहुत ही आदत पड़ गई है खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं यार मैं नहीं मानता यार ना मान तो उन्होंने भी ये कहा हम नहीं मानते तो उस पर अबू जहल ने कहा कि अच्छा मेरा कारवां गया हुआ है और तजारती सामान है और उसमें ये ये बंदे हैं मेरे अगर तू है उस रास्ते से तो बता वो कहा है इस वक्त नाउ इज एस्किंग फॉर सर्कमस्टांशल एविडेंस सो इट मीन्स इज फिजिकल यू हैव डिबेटिंग क्यों जी आपने एक आपके घर चोरी होगी आप देहात में रहते हैं तो खुरे लग गए आपने खोजी को बुलाया भाई जिसम होगा तो खुरा लगेगा ना सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो आती ही बहस आती है इसके बगैर आप पे कभी किसी ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस मांगा <laughs> दोनों वकील हैं अब वो कह रहे हैं कि बताओ वो कहां पे है अबुल आपने कहा हाँ मेरा भी गया हुआ है तो मेरे में वो वो लोग हैं वो कहां पे है अब यह बात कर रहे हैं दे वॉन्ट हिम टू वेलीडेट हिज फिजिकल प्रेजेंस तो हजूर ने कहा जो तेरा काफिला है वो आगे था मैंने वापसी पे देखा लेकिन हुआ यह एक जानवर निकला उसको देखकर जो सामने वाला ऊंट था वो बिदका और बिदक कर भागा सामने पत्थर पड़ा हुआ था पत्थर में उसका पांव फंसा वो गिर गया उसकी टांग टूट गई सो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग वर बैंडेजिंग हिज लेग और वो खड़ा हो चुका था मतलब बहसें करना बड़ा आसान है लेकिन अब पूरी तारीख तो पूरी खंगाल लो उसके बाद बहसें करना ना टेक्निकल इश्यूज तो ने कहा कि वो उसको खड़ा कर रहे थे और उसने अबुल अब ने कहा मेरा तो उन्होंने कहा कि वो पहले पीछे था अब क्योंकि इसकी टांग टूट गई है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो वो आगे ये था पहला सवाल दिस वॉज क्वेश्चन अबाउट हिज फिजिकल प्रेजेंस द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट इलमे कैम यह बता कब पहुंचेगा भाई अब मैं आया हूं एक बंदा मेरे साथ डीएचए से निकला अब आप मुझसे पूछें कब पहुंचेगा मुझे क्या पता कब पहुंचेगा किसी इशारे पर फंस गया हो रास्ते में उसको को कोई कॉल आ गई हो अच्छी जगह से वो आ ही ना रहा हो लेक्चर पे आई डोंट नो अमिताउल टू नो व्हाट इज गोइंग टू सवाल किए जा रहे हैं पैरल पहला यह कि अपनी वहां पर फिजिकल मौजूदगी असर्ट करो बाय गिविंग का सर्कमस्टांशल एविडेंस और दूसरी ये कि यह बताओ कि तुम अगर नबी हो तो तुम गैब को जानते हो यहां पर इल्म अकीदा की बहस छिड़ती है कि काफिर काफिर होकर जानता है कि नबी वही होता है जो गैब को जानता है तो अबू जहल ने कहा कि बताओ कब पहुंचेंगे तो हजूर ने कहा कि कल ये जो सूरज खड़ा हुआ है ना ये कल जब शाम होगी ना तो तेरे वाला काफिला आ जाएगा और जब सूरज उभरेगा तो तेरे वाला काफिला आ जाएगा अब इलमे गैब कर दिया अब दो धड़े हो गए अबू जहल अबू लहब अतबा ये सारे मुहिरा ये सारे इकट्ठे हुए और जाके इन्होंने लात मनात के सामने रोने डाल दिए ए हमारे बुतो ये तो ब्यूटीफुल, उनके अशार बड़े अच्छे हैं कि ए बत्तो हमारी मदद करो ये तो हमें ले दे के बैठ गए अगर इसकी बात साबित हो गई सच तो हम क्या करेंगे तो हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि इसका इम गैब गलत साबित कर दो और एक तरफ बेचारे मलंग हज़रत अली अबू बकर उस्मान उमर बिलाल ये रो रहे हैं साडे नबी गैब सही हो जाए नो इट्स वॉर ऑफ इगोज नाओ ये बेचारे थोड़े से हैं बट नाउ दे इनकी सारी होप्स ये हैं कि यार इल्म गैब सही हो जाए और दूसरों की सारी होप ये है कि इम गैब गलत साबित हो जाए अब ये दोनों दुआएं कर रहे हैं शाम का वक्त आ गया तो अब अबू जहल ने कहा सूरज डूब गया तो हजरत दौड़े पहाड़ी के ऊपर नहीं 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 मैं देख रहा हूं अभी सूरज डूबा नहीं है उधर से लग रहा है ऊपर से नजर आ रहा है तो अबू जहल भी दौड़ा उसके पीछे <laughs> वो दोनों गया अबू अबू जहल देख है।, कहता है वो गया सूरज वो आया काफला तो नबी का इल्म गैब साबित करने के लिए दौड़ धूप करना अबू बकर की सुन्नत है और इल्म गैब गलत साबित करने के लिए दौड़ धूप करना यह अबू जहल की सुनत है तो आप जब कवायद नहीं पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं होता एक छोटी सी लर्जिश आपको कहां से कहां ले जाती है ये ताने बाने जब आप कनेक्ट करते हो ना कवायद के साथ तो फिर बातें ही और हो जाती हैं आम लोगों बेचारों को इन इंट्रिकीज का पता ही नहीं है अब वो अब पूरी रात वहां पे बैठे रहे दोनों पूरी रात <laughs> अब सुबह हुई तो वो उठा उसने कहा वो सूरज निकल आया उन्होंने कहा वो देखो वो काफला भी आ गया <laughs> तो ये मेराज जो है इसके ऊपर बहस जो है जिसमानी या ख्वाब वाली बनती नहीं है ख्वाब में तो कोई भी मेराज कर सकता है हो सकता है मैंने भी की हुई हो बट दैट इज जस्ट अल्यूसिनेशन इट जस्ट अ ड्रीम और एट बेस्ट इट्स जस्ट फॉर मी इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी अब कुरान में अगर अल्लाह तस्करा कर रहा है, फिर इन्होंने अगले दिन सुबह हजूर को घेर लिया कि अच्छा तुम बैतुल मकदिस होकर आए हो ना तो अबू सुफियान को पकड़ के ले आए बिकॉज ही हैड एट टू जरूशलमे टाइम्स अब वो क्या कह रहे हैं सवाल कर रहे कि जी अच्छा ये बताओ कितनी, कि कितनी उसकी जो बाहर की दीवार है वो कितने फुट ऊंची है ये बताओ खिड़किया कि खिड़कियां किस शक्ल की हैं पूरे जेरूशलम में कितनी खिड़कियां हैं हर खिड़की के अंदर कितने रोजन हैं उसके ऊपर बत्तियां कितनी लगी हुई हैं उनके अंदर कंदीलें किस रंग की जलाई जाती हैं यार हजूर हैं को मिस्त्री थोड़ी है अगर आप मुझसे पूछें मैंने लेक्चर दिया अभी आप पूछे कितनी लाइटें हैं आज तो नहीं इसमें आई डोंट नो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड आई एम हेयर टू डिलीवर अ लेक्चर ही वेंट देयर इमामत करने के लिए नबियों की ही वॉज नॉट एन आर्किटेक्ट वो तैमूर भाई तो नहीं थे ना कि वो वहां जाकर देखते गिनते यार ये किस तरह की एंगल्स हैं तो वो अब अजीब वो से सवाल डैम योर क्वेश्चन वट काइंड ऑफ़ क्वेश्चन इज दैट आई वेंट दे kind of और मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ाई है मेरे को खिड़कियाँ थोड़ी गिन रहा था okay, बताओ हजूर ने कहा अब वो हजूर कि यहां पर स्टेटमेंट आती है कि मुझे सबसे ज्यादा तरद जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना वहां पर हुआ हाउ वुड यू नो इवन इफ़ यू हैव बिन देर अगर कल को कोई कहे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे राइट साइड पर लैंप पड़ा था हस्तों नहीं इसमें तो तुम गए ही नहीं ये सबूत है इस चीज़ का <laughs> तो ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग नाउ हीज अन नी एंड ही इज़ वेरी वनडरेबल बिकॉज सिर्फ पंद्रह बीस पच्चीस लोग ईमान लाए हैं बाकी सारा शहर मुखालिफ है और वो कह रहे हैं बताओ हजूर कहते हैं पसीना आ गया मुझे यहाँ पर आके लोग कहते हैं कि अगर हजूर को इलमें गैब होता तो हजूर को तरद क्यों होता तरदुदुदुदुद का इल्म गैब से कोई ताल्लुक नहीं है मरूफ हदीस है बुखारी की कि अल्लाह फरमाता है कि, आ, कि बेड़ा जो बंदा है ला य के तकर बोले अपन नवाफिल हतब हो फैजा अहब तो हो कन् तोबा लजी आक़िलो भी मैं उसका पाँव बन जाता हूँ कई दफ़ा आपने सुनी है कि जब बंदा नवाफिल से मेरे करीब आता है मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ उसके पाँव बन जाता हूँ उसके हाथ बन जाता हूँ उसमें आखिर में अल्लाह कहता है कि मैं उसकी रूह कब्ज़ करता हूँ और मुझे तरद होता है एक ही लफ्ज है क्योंकि अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है इट्स अ अमेंटरी ह्यूमन थिंग एंड इवन डिवाइन थिंग कि जब आपको कोई ऐसा सवाल किया जाए जो बिल्कुल ही पागलों वाला हो तो आप परेशान तो हो गए तो अब उसमें आ जाता है कि जी हजूर ने कहा कि जिब्राइल ने पूरा मकदस मेरे सामने खड़ा कर दिया अब यहाँ पर फलसफियों की फिर बहस शुरू हो जाती है एक तो फलसफियों ने बड़ा तंग किया हुआ है कि जी मुजस्म हकी जो है उसमें तजस्वी तो मुमकिन नहीं है कि जी वो तो उधर था बैतुल बैतुलम तो उधर जो बेचारे नमाजें पढ़ रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा जब ने उखाड़ा होगा तो तो गिर गए होंगे बेचारे जस्ट इमेजिन मैंने वो मौलाना साहब एक फलसा पढ़े हुआ भी ताज़ा ताजा मुझे कहते हैं कि ये तो मुजस्म हकीकी है ये कैसे तजी तज, नहीं है इट कैन नॉट बी नो कंपार्टमेंटलाइज के एक हो और दो कर दिया जाए जिस तरह मैं यहां बैठा हूँ तो यहां से मैं वहां नहीं जा बैठ सकता मुजस्म हकीकी हूँ तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा जी आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है तो कहते हैं हाँ मैंने किधर हो रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में और देख आप लोग में रहे होते हैं पूरा पाकिस्तान मैच देख रहा होता है तो ये रिफ्लेक्शन की गेम है इनकास की गेम है इट इज़ नॉट दैट कि फिजिकली उखाड़ के उधर ले आए हजूर के सामने रिफ्लेक्शन ब्रॉड वो आ गया आजकल के ज़माने में तो ये फजूल सवाल चले आज से 400 साल पहले उलमा इन इनके ऊपर किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं इन अक्काश के ऊपर और मुजस्म हकीकी के ऊपर अब तो हम जानते हैं मुजस्म हकीकी एक जगह हो आप उसको एक अरब जगह पर ले जा सकते हो वाया कैमरा तो वो आ गया और हजूर ने गिन गिन के बताना शुरू किए इतने फुट हैं ये मोमबत्ती हैं ये ये लगा हुआ है ये लगा हुआ है ये लगे यहाँ यहां पर मुझे एक साहब कहने लगे कि ये इले में गायब फिर नहीं सी ना <laughs> और फिर सामने आया तो गिन गिन के दसे मैं कह यार मौलवी ये बता कि वहाँ पर हज़रत अली भी मौजूद थे अबू जहल भी मौजूद था सैद ना अबू बकर सदीक भी मौजूद थे अबू लहाब भी मौजूद था उनको नजर आया इसी को तो गैब कहते हैं जो अगल की पहली से भी समझ ना आए और पांच हिस्सों से भी दर्क ना हो सके बाकी और किसी को नहीं समझ आ रहा था जिसके पास वो था सलाहियत उसी को ही नजर आ रहा था तो ये एक मिराज के ऊपर अब कायदा आप जेन में रख लीजिए एक कायदा शर्त और जजा का शर्त पहले होगी जजा बाद में होगी इसको आप कुरान पे इसके ऊपर 300 से ऊपर आयतें जो हैं आप खोल सकते हैं कुरान की ये कि अमल एक हो और मंसूब दो की तरफ हो क्यों किया जाता है मैंने आपको इल्लत बता दी है जब शक को रफा करना हो ऐब को ख़त्म करना हो इसके ऊपर तकरीबन सौ आयतें कुरान की आपको इसमें भी समझ आ जाएंगी तो उम्मीद है कि कायदे ने मुझे तो थका दिया पसीना मेरा तो निकल आया है लेकिन उम्मीद है आई ड्रिवन होम तो इनशाला अगर आपको पसंद आई ये अंदाज़ कवायद का तो हमारे पूरा फेथ का स्ट्रक्चर इन कवायद पर बना हुआ जिसको ये समझ आ जाए वो अकीदे में गलती नहीं करेगा वालेकुम असलम वरहमत लि